नमस्कार और स्वागत करते हैं आपको IIJS वर्चुअल सेकेंड एडिशन में पावर्ड बाय GIA। हमारे साथ वो बहुत ही जबरदस्त लोग जुड़े हुए हैं, कलकत्ता से रेवती रमन अग्रवाल जी, RR ज्वेलर से जो बहुत ही एक फेमस ज्वेलर है, लीडिंग ज्वेलर है कोलकाता के, और काफी कुतूर और डिजाइनर पीसेस में डील करते हैं, डायमंड ज्वेलरी भी बहुत अच्छा करते हैं। और दूसरे गीता श्याम ज्वेलर से प्रवीण जी, जो जड़ाव कुंदन के स्पेशलिस्ट हैं और पिछले 2-3 सालों में बहुत ही रिवोल्यूशन लाए हैं इस बिजनेस में और काफी प्रोग्रेसिव ज्वेलर्स से जुड़े हुए हैं पूरे इंडिया में। सब शुरू करते हैं RR अग्रवाल जी से। अग्रवाल जी, अभी पिछले 6 महीने से जब से लॉकडाउन खुला है, मई 20 तारीख के बाद से, कलकत्ता में फिर भी थोड़ा लेट खुला था, बट अभी जो सीजन चल रहा है शादियों का, कैसा रहा है ये सीजन? और अक्टूबर में जो IIJS एडिशन वर्चुअल का जो पहला एडिशन हुआ था, उससे आपको किस तरह का सपोर्ट मिला है? बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको याद किया। और जैसे कि कोविड का पीरियड आया था, तो उस समय तो ये लग रहा था कि जैसे ज्वेलरी इंडस्ट्री बहुत प्रीमियम इंडस्ट्री है, लग्जरी इंडस्ट्री है, तो ऐसा कुछ लग रहा था कि हालात बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे और इसकी रिक्वायरमेंट सबसे लास्ट में कस्टमर्स लोग को रहती है, तो फ्यूचर थोड़ा सा डार्क नज़र आने लग गया था और पैनिक, पूरा माहौल पैनिक में हो गया था। और हम लोग की जो भी कलकत्ता ज्वेलरी एसोसिएशन वगैरह सबकी मीटिंग्स वगैरह होती थी, उसके अंदर जो भी माहौल व्याप्त था या जो भी डिस्कशन होता था, उसको एक पैनिक सा लग रहा था कि फ्यूचर क्या होगा, कस्टमर क्या सोचेंगे, कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि कस्टमर पहले नेसेसिटी की ओर जाएगा, तो हम लोग फ्यूचर बहुत खराब सोच रहे थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला, उसके बाद धीरे धीरे लोग फ्री होने लग गए, लोग धीरे धीरे आने लग गए, हमारे स्टाफ भी धीरे धीरे आने लग गए, हमारा टीम वर्क भी चालू हो गया और कस्टमर मूवमेंट आप मान के चलिए कि जो हम सोचे थे उससे बेटर हो गया। और बेटर होने के बाद आप समझिए कि अप्रैल में तो लॉकडाउन में चला गया, जून जुलाई अगस्त थोड़ा स्लो गया, लेकिन सितंबर अक्टूबर नवंबर आपको मैं नहीं बता सकता, इट वॉज माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा रहा। हमारे एक्सपेक्टेशन जो हमने सोचे थे उससे बहुत 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 बेटर रहा। और इनफैक्ट दिवाली धनतेरस जो त्यौहार आता है वो लास्ट टाइम से आप मान के चलिए बेटर था इस बार। बहुत बढ़िया, ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि लास्ट टाइम से अच्छा था दिवाली धनतेरस, इज वेरी नाइस। बट IIJS वर्चुअल जो अक्टूबर में हुआ, जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया था, आपके पूरे टीम ने पार्टिसिपेट किया था, तो किस तरह से वो सपोर्ट हुआ, जो ज्वेलरी वहाँ पे आपने देखा था और ऑर्डर किया था वो आपको? देखिए, IIJS इनफैक्ट बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हम लोग ज्वेलर्स लोगों के लिए, मतलब मक्का मदीना है समझ लीजिए, कि हम लोग IIJS में जो जाते हैं, करते हैं, जो हम लोग को प्लेटफॉर्म मिलता है, जो डिजाइन देखते हैं, कलेक्शन देखते हैं, बहुत बड़ा ब्रेन वॉश होता है और हम लोग कस्टमर के लिए बहुत कुछ करते हैं। और इस बार IIJS नहीं हो रहा था तो हम लोग को थोड़ा डर भय था कि कैसे होगा, क्या होगा, क्या कस्टमर को हम लोग नया दे पाएंगे, लेकिन IIJS वर्चुअल आके हम लोग को बहुत बड़ा सहारा मिला। IIJS वर्चुअल हमने अटेंड किया, हमारी पूरी टीम ने अटेंड की, तो हमारा बहुत समय बचा, देखिए मतलब हमारे लिए बहुत बेटर हो गया। और हमारी टीम ने पूरा आराम से देख पाए, कर पाए, सेल्स टीम भी देख पाई, हमारे जो मैनेजर हैं वो देख पाए, हम खुद देख पाए, चॉइस करने में हम लोग को बहुत ईजी रहा और हमको नई नई चीज़ें मिल गई और हमको बहुत मतलब आराम हो गया इस चीज़ के लिए। थैंक यू प्रवीण जी, हम आपके पास आते हैं। आपने बहुत मेहनत किया था अक्टूबर के IIJS वर्चुअल में, बहुत नए नए डिजाइन लाए थे और एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लाए थे आप ये पूरे कैटेगरी में, तो आप बताएंगे कि किस तरह से अक्टूबर वाला जो एडिशन था उससे आपको कितना बेनिफिट मिला, कितने रिटेलर्स के जो आपके साथ जुड़ गए, और अब जनवरी में जो आने जा रहा है उसकी तैयारी कैसी है आपको? जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपसे बात करी थी, तो जो IIJS वर्चुअल जो प्लेटफॉर्म जो GJPC ने लॉन्च किया था उससे बहुत अच्छा लगा था। पिछली बार भी मेरे पास करीबन 450 के करीबन क्यूरीज थी इसके अंदर, बहुत अच्छा इसमें मतलब रिजल्ट आउटपुट मिला, बिकॉज हमने जो जिस तरीके का कंसेप्ट इसमें लॉन्च किया था उसका बहुत बड़ा बेनिफिट हमें मिला है। आप मतलब एक तो इसका सबसे बेस्ट कारण क्या था, टाइमिंग, जो लास्ट टाइम भी ये सीजन से जस्ट बिफोर था और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है, आगे अक्षय तृतीया एंड जो कमिंग वेडिंग सीजन है उसका बेनिफिट वही राइट टाइम पे ये हो रहा है, तो इसका बहुत अच्छा बेनिफिट हमें मिलना चाहिए, मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन है। और जैसे हम लोग काफ़ी हमारे डिटेलर्स हैं, जितने भी जो मल्टी ब्रांड स्टोर्स हैं, सबसे बातचीत भी हुआ मेरा इसको लेकर के, कि ये शो जैसे टाइमिंग को लेकर के, तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है इस चीज़ को लेकर के, और सब लोग बोल रहे हैं कि टाइमिंग बहुत परफेक्ट है इसका, तो आगे जैसे जो भी सीजन आने वाला है उसमें हमें इसका आउटपुट मिलेगा। प्रवीण जी, इस बार बहुत सारे नए फीचर्स ऐड हो रहे हैं IIJS वर्चुअल में, यू नो द वीडियो कॉलिंग भी काफ़ी एनहेंस हो गया है, काफी लिस्टिंग ई कैटलॉग, तो इसको आप पूरे तरीके से यूज करने जा रहे हैं और किस तरह से आपकी तैयारी है, कोई नया कैटेगरी लॉन्च कर रहे हैं आप इस बार? इस बार भी हम लोग वेरी वेरी लाइट वेट पे ही कॉन्सेंट्रेट है हमारा, जैसे जैसा कि लास्ट टाइम मैंने बताया था ट्रांसपेरेंसी और लाइट वेट, जैसा कि कुंदन मीना में वेट को लेकर के जो हमने आपसे बात करी थी,
वो का वो सेम प्रोसेस के अंदर ही हम लोग वेट पे पूरा कंसंट्रेट है, ब्राइडल ज्वेलरी वेरी वेरी लेट वेट लाइट, एंड इस बार हमने एक टारगेट और लिया है कि जैसे कस्टमर को हम लोग प्राइस रेंज टारगेट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं हम लोग बेसिकली इसके अंदर। जैसे कि अभी पहले कुंदन मीना मतलब बहुत हैवी ज्वेलरी और बजट बहुत हाई था, अभी हमने इसको जैसे बिल्कुल बजट ओरिएंटेड कर लिया, जैसे 3 से 5 लाख के अंदर पेंडेंट सेट्स हो गए, फिर 5 से 15 लाख के बीच के अंदर इसमें ब्राइडल सेट्स हो गए विद लॉन्ग सेट्स हो गए, तो सारी चीज को हमने मतलब अब प्राइस ओरिएंटेड कर दिया कि जैसे कि इस रेंज में ही पर्टिकुलर पूरा प्रोडक्ट आना चाहिए। इस पे रेंज पे हमने बहुत ज्यादा कंसंट्रेट किया है कि जैसे हमने वेट कंट्रोल किया, वेट कंट्रोल के बाद में अब हमने इस पे टोटल पोल की प्राइसिंग और साथ में मतलब जैसे इस कलर स्टोन की प्राइसिंग इस पे पूरा कंसंट्रेशन किया है। प्लस ये तो प्राइस रेंज हो गया, प्लस अब होता है क्वालिटी एंड डिजाइनिंग, उस पे पूरा मतलब जैसे कलर स्टोन के ऊपर जैसे वेरी वेरी लाइट मतलब जैसे लाइट वेट कॉन्सेप्ट लाइट कलर पे ज्वेलरी बना रहे हैं हम लोग। इस बार हमने इसके अंदर एक चित्राई वर्क भी ऐड किया है, प्लस जो ऊपर जो हम लोग इसमें स्टोन्स यूज कर रहे हैं वो भी सब पेस्टल कलर्स ही लिए हैं हमने। अग्रवाल जी, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे मैन्युफैक्चरर्स को, जैसे अभी प्रवीण जी यहाँ पे हैं और भी 500 मैन्युफैक्चरर्स आपको देखेंगे और सुनेंगे इस वीडियो के द्वारा, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि किस तरह की ज्वेलरी बनाएं और किस तरह का काम आप देखना चाहेंगे इस बार के IIJS वर्चुअल में जो जनवरी 8 से 12 तारीख को होने जा रहा है? मेरी देखिए पर्सनल राय ये है कि कोविड को एक बार भूल जाना चाहिए, कोविड जो दिमाग में सेट है उसको निकाल देना चाहिए। पीरियड आगे का जो 6 महीने का है वो बहुत मार्वलस जाने का है, बहुत अच्छा जाने का है, लेकिन जो आज मैन्युफैक्चरर हैं इनोवेशंस बहुत जरूरी है, नई नई चीज़ें कस्टमर्स देखना चाहते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं, नई तकनीक यूज़ करते हैं। और क्या होता है ना, जैसे गोल्ड का दाम जैसे बहुत हाई पे है तो कुछ लाइट ज्वेलरी पे कंसंट्रेट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। डायमंड ज्वेलरी हो गई, अब कस्टमर गोल्ड जैसे बहुत ज़्यादा हाई रेंज हो गया तो कस्टमर डायमंड की ओर, पोलकी की ओर, जड़ाव की ओर, ये सब की ओर मूव करने लग गया है। तो इनोवेशंस बहुत जरूरी है, नई नई चीज़ें बनाएंगे, कुछ वेट का ध्यान रखेंगे। और सामने क्या होता है, आप जो शादी ब्याह जैसे अभी जनवरी फरवरी मार्च में थोड़े कम है तो अप्रैल से जो शादी होंगी तो गर्मी का लगन चालू हो जाएगा, तो उसमें थोड़ा बजटिव ज्वेलरी भी चलती है, तो बजट्स को अगर लेके चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। इनोवेशंस ऑलवेज वर्क, बूस्ट अप रखिए अपने आप को, नई डिजाइन बनाइए, माल खूब चलेगा, खूब बिकेगा और मार्केट आगे धूम ही धूम है। क्या बात है, आपको लगता है अग्रवाल जी की इतना बढ़िया धूम जो मचने वाला है अगले 6 महीने में हमारे इंडस्ट्री में, आपको लगता है हम पिछले साल के मुकाबले जो फाइनेंशियल ईयर इस साल का जो है वो हम पिछले साल के मुकाबले हम कम से कम वहां तक बराबर कर लेंगे? 100% उससे बेहतर करेंगे, उससे बेहतर होगा ही होगा, क्योंकि कई सारे पेंडिंग हैं और लोगों का जो गोल्ड का प्राइस बढ़ा है तो लोगों का ट्रस्ट बहुत बड़ा बिल्ड हुआ है, इन्वेस्टमेंट की ओर भी, परचेसिंग की ओर भी। और जो इनोवेशंस नई नई क्रिएशंस जो अपने लोग करते जाते हैं ज्वेलरी इंडस्ट्री में, नई नई ज्वेलरी बना रहे हैं, इसके प्रति कस्टमर्स का बहुत मतलब वहाँ में मतलब उन लोग का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो नई डिजाइन और नई तकनीक रहेगी तो हम लोग हमेशा आगे रहेंगे और 100% अपना बेटर होगा। आप बहुत यू नो ऑलराउंडर किस्म के बिजनेसमैन हैं जो अपने हेल्थ में भी ध्यान देते हैं, हम आपका सोशल मीडिया भी देखते हैं और आप डिजिटल में भी बहुत विश्वास रखते हैं। आपको लगा है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो सोशल मीडिया यूज हम कर रहे हैं, अभी जो फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, आपके स्टाफ, शोरूम मैनेजर और आपके जो दूसरे मैनेजमेंट के लोग हैं, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है या फर्क पड़ने वाला है आगे, आपके कस्टमर्स देख रहे हैं और उसकी क्वेरी आ रही है ऑनलाइन आपके लिए? देखिए, आपने दो इश्यू पर बात की, एक तो हेल्थ की बात की, एक डिजिटल की बात की। अब मैं बताऊं कि ये दोनों ही सबसे प्राइम फैक्टर है, दोनों ही प्राइम फैक्टर है और दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। रही बात हेल्थ की, तो हेल्थ को बहुत बड़ा कॉन्शियस अपने को रखना चाहिए। हेल्थ अपने को बहुत टाइम मतलब क्या होता है, सुबह घंटा 2 घंटा देना बहुत जरूरी होता है, इनफैक्ट मैं तो 3 घंटा देता हूँ। तो उसका क्या है कि आज अपने बिजी शेड्यूल में अगर 3 घंटा 2 घंटा अपने हेल्थ पे देते हैं तो अपने उसको बाद में इंजॉय कर पाएंगे, लॉन्ग लास्टिंग कर पाएंगे, प्लस अपनी कैपेसिटी काम करने की बहुत बढ़ती है। आप कोई भी लेवल का काम कर सकते हो, फ्री लेवल का काम कर सकते हो, टाइम मैनेज कर सकते हो। ये तो हो गया हेल्थ की बात। और जो नया युग है वो डिजिटल का है, डिजिटल मार्केटिंग, यंगस्टर्स जो आ रहे हैं परचेसिंग उनकी जो सोच है तो वो डिजिटल की ओर ज़्यादा देखते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप। तो मतलब अपने को डिजिटल मीडिया कैप्चर करना चाहिए, डिजिटल मीडिया में मार्केटिंग अच्छा करना चाहिए और डिजिटल्स के प्रति मतलब नए यंगस्टर लोग हैं वो बहुत
मतलब लुभावने होते हैं और उसी को मतलब इंप्रेशन लेके वो आते हैं। थैंक यू, और आप प्लीज आपके इंस्पिरेशनल वीडियो डालते रहिए, आपके स्क्वॉश क्रिकेट और सारे जो आप एक्सरसाइज है योगा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप देखते हैं ये मेरी बहुत बड़ी जीत है, और आप देखते हैं मतलब मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। नहीं, सारे बहुत सारे ज्वेलर्स देखते हैं, 4-5 हज़ार ज्वेलर जो आपसे जुड़े हो हर दिन देखते हैं आपको, बहुत अच्छा लगता है। प्रवीण जी, फाइनल क्वेश्चन आपके लिए कि IIJS वर्चुअल ये January 8-12 हो रहा है, इसके बाद कोई शो है नहीं, कोई फिजिकल शो होने वाला है नहीं, August, तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन शो होने जा रहा है जो अगले 6-7 महीने को डिफाइन करेगा, यू नो, कि किस तरह का जर्नी, किस तरह का ऑर्डर होगा, आपके भी एज अ मैन्युफैक्चरर आपके अगले 6 महीने का ऑर्डर्स और सारा जो बुकिंग्स है प्लानिंग यहाँ पे होगा। तो क्या आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि आप कुछ अलग सा करें, कुछ आप ध्यान दे रहे हैं, जैसे आपका डिजिटल भी बहुत स्ट्रांग है, B2B में भी आपका इंस्टाग्राम और काफी आप फोकस करते हैं डिजिटल में, कौन से प्राइस पॉइंट है जो आपको लगता है बहुत स्वीट स्पॉट होने जा रहा है ये IIJS वर्चुअल में, क्या लग रहा है आपको कि कई कोई नया ट्रेंड, कोई आपके जो रिटेलर से आप इतना बात करते हैं, जो 450 लोग आपसे जुड़े हुए हैं, कोई ऐसा ट्रेंड या डिजिटल मार्केटिंग का कोई ट्रेंड, और IIJS वर्चुअल में क्या होने जा रहा है? IIJS वर्चुअल में जो इस बार ये वीडियो कॉलिंग और जो ये नया जो इन्होंने जो ये जो फीचर ऐड किया है, प्लस साथ में मतलब ये बहुत ही अच्छा फीचर है, इससे हमें बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। प्लस आप समझ सकते हैं समित जी कि जैसे जो आगे आने वाले 6 महीने हैं, जैसे मान लो कोई शो नहीं है, तो इसका एडवांटेज तो कहीं ना कहीं शो को हमें मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सब लोग समझते ही हैं इस बात को, क्योंकि अभी कोई शो तो प्लान हो नहीं रहा है, तो इस शो पे इसका बहुत बड़ा फोकस रहेगा। जैसे कि रिटेलर से जैसे हम लोग का जब बात हो रहा है, जो मल्टी ब्रांड स्टोर्स हैं, वो लोग जब इसके ऊपर सेलेक्शंस करते हैं, ज्वेलरी देखते हैं, तो क्या होता है कि उनका सारा स्टाफ, पूरा टीम, पूरा जो कंसंट्रेशन हो जाता है, जैसे मान लो वेरियस सिटीज में अलग अलग जगह पे बैठे हैं, वो सारा प्लान प्रॉपर जैसे चैनलाइज हो जाता है। लोग शो को लेकर के जैसे मान लो क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, बट मैं इस शो को बूस्ट मानता हूँ, इस इंडस्ट्री के लिए बूम है बेसिकली है। तो अभी जैसे मान लीजिए कि इस शो के अंदर जो होने वाला है, हम लोगों ने जो प्लान किया, जैसे प्राइस रेंज को बहुत बड़ा सेक्टर मान के प्लान किया है कि भाई जैसे प्रोडक्ट रेंज वाइज होना चाहिए। जैसे पप्पू भैया से अभी बात हुआ तो उन्होंने बताया कि भाई रेंज को ध्यान में रख करके, वेट को कंसंट्रेट करके जो ज्वेलरी बनाने का जैसे कंसेप्ट की बात हुई है, हम इसी पे फोकस कर रहे हैं बेसिकली। ये जो है ये हमें मतलब जबरदस्त बूस्ट देने वाला है, ये हमारा प्लान में हमें लगता है, क्योंकि डिजाइनिंग कंसेप्ट में पिछली बार भी जो हमने नया लॉन्च किया, जो हमारी टीम ने जो वर्क किया, टाइम कम मिला था, तो इस वजह से पिछली बार हमारा सारा वर्क कंप्लीट नहीं हो पाया था, जो जो कंसेप्ट हमने सोचा था पूरा वर्किंग नहीं दे पाए थे, और सीजन एकदम इमीडिएट स्टार्ट हो गया था उस टाइम पे। बट अब हमने उसमें जो हमारी कमियां थी वो सारी निकाली, प्लस नया जो हमने रेंज को सेक्टर को ऐड किया, तो ये हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। प्लस जैसे अभी मैंने काफी मतलब जो मेरे जैसे ज्वेलर से रिटेलर से बात होती है, तो वो लोग जैसे मुझे बोलते हैं कि भाई जैसे आप रेंज को बहुत ही ज्यादा मतलब जैसे टारगेट लेकर के वो कंसंट्रेट बहुत ज्यादा किया है हमने, उस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा, पर्टिकुलर पीस वाइज हमने जैसे ना जो रेंज को ध्यान में रख करके बनाया है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का कि आपने अपना समय निकाला, कीमती समय निकाला अपने बिजनेस से, एंड ऑल द बेस्ट कि 2021 एक बहुत जबरदस्त शुरुआत हो आप दोनों के लिए और हमारे पूरे इंडस्ट्री के लिए, एंड गॉड ब्लेस टू यू, टू योर फैमिली, टू योर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड टू आवर एंटायर इंडस्ट्री। या थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू समित जी, थैंक यू पप्पू भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।